एलएसी पर चीन की एक और विनाशकारी चाल। एलएसी टकराव के बीच तैनात की मिसाइल रेजिमेंट। चीन की करतूत पर भारत ने दी सीधी चेतावनी। तो वहीं चीन और उत्तर कोरिया पर जापान करेगा सर्जिकल स्ट्राइक। जापान के प्रधानमंत्री ने चीन को दी सीधी धमकी। दोस्तों वे कहते हैं ना कि अगर आग के अंदर घी डाला जाएगा तो वो और भी ज्यादा भभकेगी। कुछ वैसा ही चीन ने अब एलएसी पर टकराव में घी डालने का काम किया है। दोस्तों एलएसी पर चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक विनाशकारी चाल चली है और अपनी एक ऐसी रेजिमेंट को तैनात कर दिया है जो कि दोनों देशों के मध्य टकराव को और ज्यादा भड़काने का काम करेगा। दोस्तों जब से दोनों देशों के मध्य पिछले साल 2020 से पूर्वी लद्दाख में तनाव शुरू हुआ है तभी से चीन अपने घातक हथियारों को भारत के खिलाफ तैनात कर रहा है, तो वहीं भारत भी कुछ कम नहीं है। भारत भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है। जब चीन ने लद्दाख से सटे चिनजियांग प्रांत में ऐसे जासूसों को लगाया था तो वहीं अब चीन ने मिसाइलों को ऑपरेट करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को एलएसी पर तैनात कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों एलएसी के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश कर रहा है। ऐसे में भारत ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सामने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा किए जा रहे निर्माण पर चिंता व्यक्त की। इससे पहले भी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने, तो वहीं सीडीएस विपिन राउत ने चीन को सीधी चेतावनी दी थी और दुश्मन नंबर एक बताया था। अब सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास इलाके में चीनी सेना द्वारा किए गए निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है और चीन को अपना काम रोकने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा कि भारत की चिंता की वजह यह है कि चीन यहां नए हाईवे का निर्माण कर रहा है, सड़कों को जोड़ रहा है और नए आवास एवं बस्तियों का निर्माण कर रहा है, साथ ही साथ सीमा से सटे इलाकों में सैन्य गांवों का निर्माण कर रहा है। लेकिन अब ड्रैगन ने LSE के अपने और मिसाइल रेजिमेंट सहित भारी हथियारों को तैनात किया है। यहाँ पर सूत्रों ने कहा है कि जो सैन्य बुनियादी ढांचा है उसका अपग्रेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन हाईवे को चौड़ा कर रहा है। वहीं खासकर गुनसा और होतान में चीन के ठिकानों के अलावा अब वे नई हवाई पट्टियों का निर्माण भी कर रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक एक खबर यह भी आ रही है कि एक बड़ा चौड़ा हाईवे भी चीन विकसित कर रहा है जो LSE पर चीनी सैन्य ठिकानों की आंतरिक इलाकों से कनेक्टिविटी और बेहतर करेगा। सूत्रों ने कहा है कि चीनी सेना अपनी वायुसेना और सेना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही उन्हें अमेरिकी और अन्य सैटेलाइटों की नजर से बचाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों चीन ने भारत के खिलाफ तिब्बत कार्ड भी चल रखा है। तिब्बतियों को भर्ती करने और उन्हें मुख्य भूमिका सैनिकों के साथ सीमा चौकियों पर तैनात करने का प्रयास भी चीन बहुत ही ज्यादा तेज गति से कर रहा है। चीन तिब्बत के लोगों का इस्तेमाल इस अधिक महत्वपूर्ण इलाके में करना चाहता है क्योंकि चीन के मुख्य भूमि के सैनिकों के लिए यहां काम करना काफी कठिन होता है। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल की सर्दियों की तुलना में चीनी शेल्टर्स सड़क संपर्क और अनुकूलन के मामले में बेहतर तरीके से तैयार है। सूत्रों ने यहाँ पर यह भी कहा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में PLA द्वारा नियंत्रित रॉकेट और मिसाइल रेजिमेंट तैनात किए गए हैं जिनका मकसद भारत के खिलाफ किसी भी वक्त जंग के होते ही हमला करना है। लेकिन अब भारत भी चीन को सीधी टक्कर देने के लिए रूस के ऐसे 400 पर बात कर चुका है और उसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजन चीन को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा LSE पर चीन अपने सैनिकों की ज्यादा संख्या में तैनाती ना करके LSE पर निगरानी के लिए ड्रोन की तैनाती में काफी वृद्धि कर रहा है क्योंकि इसने बड़ी संख्या में ड्रोन को इस क्षेत्र में निगरानी के लिए तैनात कर रखा है। यह पूछे जाने पर कि क्या हाल ही में दोनों में भारतीय सीमाओं के सामने तैनात चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ी है, इस पर सूत्रों ने कहा है कि चीन ने उस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय पक्ष भी पिछले साल की तुलना में बहुत ही अधिक तैयार है। भारत ने इस इलाके में किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए पूरी कमर कस ली है और उत्तरी सीमा पर संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब चीनी सेना ने आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया था। जापान के प्रधानमंत्री के बयान से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। जापानी PM ने चीन और उत्तरी कोरिया को सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की दी धमकी। दोस्तों भारत की तरह ही जापान कई खतरों से घिरा है जिसमें उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों और खतरनाक हथियारों का परीक्षण करके जापान की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, तो वहीं चीन भी दक्षिणी चीन सागर को लेकर जापान पर हमला करने के लिए उतावला हो रहा है।
लेकिन अब चीन और उत्तरी कोरिया जो कि तानाशाह मुल्क है उनके लिए जापान के प्रधानमंत्री ने जो फरमान जारी किया है उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। जापान के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते उनकी सांसें अटक गई है, क्योंकि जापान ने कह दिया है कि वह सीधा टकराने वाला है ना कि पीठ पर वार करने वाला है। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को अपने एक बयान में दुनिया को हैरान कर दिया। जापान के प्रधानमंत्री ने चीन और उत्तरी कोरिया को चेतावनी दे दी कि वे उनके खिलाफ बड़े सैन्य बदलाव पर काम कर रहा है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार बैठा है। जापान के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि चीन के खिलाफ दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं चल रहा है। आने वाले वक्त में चीन का पतन निश्चित है, क्योंकि चीन का एजेंडा पूरी तरह से कब्जा करके शासन करने वाला है। चीन कई देशों को गुलामी की ओर ले गया है, जिसमें हाल ही में युगांडा का भी नाम सामने आ रहा है जो अपना एकमात्र एयरपोर्ट चीन को सौंपने जा रहा है चीन का कर्ज नहीं चुकाने के चलते। लेकिन चीन के खिलाफ बने क्वाड समूह का सदस्य जापान अब ऐसा बयान देकर चला गया है जो चीन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। जापान के प्रधानमंत्री ने चीन और उत्तरी कोरिया के खतरे पर बात करते हुए कहा कि देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स असाला के 800 सैनिकों के सामने किशिदा ने कहा कि जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा है। अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए हम दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं करते हैं और इस पर काम कर रहे हैं। फूमियो किशिदा ने बताया कि इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह जापान के मध्यम अवधि के सुरक्षा प्रोग्राम के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े दिशा देशों की समीक्षा करने का आदेश दे चुके हैं। दरअसल उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई एडवांस रॉकेट और मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि जापान की मिसाइल सुरक्षा इसके आगे काम नहीं आएगी, जिसके चलते सरकार अब दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। जापान की सुरक्षा वाले नए विकल्पों में सरकार ने दुश्मन के इलाके में मिसाइल दागने की क्षमता को शामिल किया है। जापान का शांतिवादी संविधान केवल आत्मरक्षा के लिए ऐसी क्षमताएं विकसित करने की अनुमति देता है, इसमें बिना किसी कारण हमले की मनाही है। सरकार अभी जिन विकल्पों पर बात कर रही है उनका इस्तेमाल अभी किया जाएगा। अब ऐसा स्पष्ट होगा कि हमला जापान पर हो रहा है, मतलब यह कि जापान पर हमला होने की स्थिति में ही बचाव के उपाय अपनाए जाएंगे। किशिदा ने कहा कि वह इस बात को नकार नहीं सकते कि उत्तर कोरिया ने कई नई तकनीकें विकसित कर ली है, जैसे हाइपरसोनिक हथियार और ट्रैजेक्टोरी स्थानांतरित करने वाली मिसाइलें। चीन भी अपने सैन्य ताकतों को बढ़ा रहा है, जिसमें पारदर्शिता कतई नहीं है। टोक्यो और सेतामा प्रांत के बीच मौजूद इस कैंप में भाषण देते हुए जापानी प्रधानमंत्री ने चीन से जुड़े खतरे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के अभाव में चीन अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करते हुए यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश में है। किशिदा ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जापान की भूमि, जल और हवाई क्षेत्र की मजबूती से रक्षा करना और देशवासियों की संपत्ति और जीवन की रक्षा करना शामिल है। ऐसे में दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री के चीन और उत्तरी कोरिया पर दिए इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? साथ ही दोस्तों, जिस प्रकार से एलएसी पर चीन ने मिसाइल रेजिमेंट को तैनात किया है, उस पर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।